कर्नाटक चुनाव अपने सवाब पर है आज सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है दो वीडियो वायरल हो रहे हैं एक प्रधानमंत्री के रोड शो में कांग्रेस कांग्रेस के नारे लग रहे हैं सुप्रिया सिरनेत ने शेयर किया है वहीं एक वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें फूल का जो इंतज़ाम है आप देखे होंगे प्रधानमंत्री की अमूमन रोड शो में लोग फूलों की बारिश करते हैं पहले ऐसी धारणा थी कि लोगों को लगता था कि ये फूल जो लोग हैं उनके समर्थक हैं कार्यकर्ता हैं वो खुद लेके आते हैं लेकिन अब पता चल रहा है कि ये इवेंट मैनेजमेंट है सब कुछ पहले से इंतजाम किया जाता है एक एम्बुलेंस रोके जाने की खबर भी सामने आ रही है वही अमित शाह के एक रैली के दौरान वो कह रहे हैं कि लोग कहाँ हैं तो तमाम सोशल टी वी अखबार नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हैं आज हैदराबाद में बी सुप्रीमो मायावती ने रैली की है बी तेलंगाना में अपने लिए संभावना देख रही है क्योंकि वहाँ जो अध्यक्ष हैं उनका आर एस प्रवीण वो आई रहे हैं उन्होंने स्कूलों के लिए बहुत बेहतर काम किया है उनकी एक शानदार छवि है तेलंगाना में तो सोचिए कि एक बीच एक अध्यक्ष पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से पार्टी में जान फूंक सकता है वो बीएसपी तेलंगाना में देख सकते हैं जहाँ आर एस प्रवीन ने पिछले दो तीन सालों में वो लगातार सड़कों पर हैं रैली कर रहे हैं धरना कर रहे हैं जानकारी मिल रही है कि बड़ा जन सैलाब उमरा है दबाव इतना है कि ते तेलंगाना के जो सीएम हैं उन्होंने बाबा साहेब की सबसे बड़ी स्टैचू बनाई है जो नया सचिवालय है उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा है तो आर एस परवीन अकेले चुनौती दे रहे हैं एक और जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो महिला पहलवानों के समर्थन में आज किसान जुटे और कहा जा रहा है कि उन्होंने किस तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि या तो आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए या उसके बाद हम इस आंदोलन को लंबा चलाने की रणनीति तय करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद पहले ही कह चुने कह चुके हैं कि हम समर्थन करेंगे वही लगभग 25 मिनट का एक वीडियो जारी किया है जो आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि किस तरह से वो फैमिली मेंबर थे उनका जाटों का ये आंदोलन है एक परिवार का आंदोलन है वो दूसरे खिलाड़ियों के पक्ष में हैं तो उन्होंने अपना एक बड़ा पक्ष सोशल मीडिया के थ्रू रखा है लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पॉक्सो एक्ट में कोई और होता आरोपी तो वो बच जाता गुजरात में चालीस हज़ार लापता हैं ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खबरें तैर रही हैं मणिपुर की भी खबर है जो मैं आपको बताऊँगा डिटेल से लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज मीडिया को लेकर है अंजना ओम कश्यप हो या सुधीर चौधरी वो सब एक सवर्ण महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर रो रहे हैं सोचिए आज रोहिणी सिंह ने लिखा है कि आखिर ये ट्रेंड किसने शुरू किया पहले पत्रकार बहुत सारे सवाल पूछते थे नेताओं से बहस होती थी मनमोहन सिंह के दौर का याद कीजिए किस तरह से दीपक शर्मा जब सोशल मीडिया पर एक्टिव है किस तरह से सलमान खुर्शीद को लेकर कैंपेन चलाया था किस तरह से अन्ना आंदोलन में मीडिया ने एक रिपोर्टिंग की किस तरह से कनी मोरी ये राजा सबको जेल में डलवा दिया गया लेकिन 2014 के बाद से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जो भी पत्रकार सत्ता से सवाल पूछते थे उनकी गिरफ्तारी होने लगी चाहे वो सिद्ध की कप्पन हो सबसे पहले एक दलित पत्रकार को दो बार यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया प्रशांत कनौजिया उन पर कोई बातचीत नहीं हुई तो जो सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार थे उनके खिलाफ इनकम टैक्स ईडी तमाम तरह की जांचें हुई नौकरियां गई अब वही ट्रेंड दूसरे लोग अपना रहे हैं बिहार में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई अभी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह की रिपोर्टिंग सुधीर या रजत शर्मा या अर्नब गोस्वामी करते अर्नब गोस्वामी की भी गिरफ्तारी हुई थी महाराष्ट्र में अगर चार पांच पत्रकार को की स्टेट पुलिस के पास ताकत तो होती है स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर चाहे तो दो चार पांच पत्रकारों को उठवा सकता है अगर बीजेपी विरोधी पत्रकारों को उठा सकती है तो क्या बीजेपी अब तो पत्रकारों का इसी तरह का एक डायग्राम बन गया कि ये बीजेपी के ख़िलाफ़ है ये बीजेपी के साथ है तो विरोधी पत्रकारों का तो बहुत गिरफ्तारियां हुई हैं जांचें चल रही अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा और सत्ता पक्ष के साथ खड़े पत्रकारों की भी अगर विपक्षी दल जहाँ जहाँ सरकार में है उसने अगर गिरफ्तारी करवाना शुरू कर दिया तो खेल मामला फंस जाएगा मैं बार बार कह रहा हूँ भारत की मीडिया कभी भी ईमानदार नहीं रही है भारत की मीडिया हमेशा से जातिवादी रही है अब जाकर डाइवर्सिटी आई है सोशल मीडिया आने की वजह से एस सी एस टी के लोग किसानों के लोग जो हैं वो लिखने पढ़ने लगे हैं और इसलिए आपको लगता है कि मीडिया का इम्पोर्टेंस अब बढ़ा है आ, तो चलिए शुरुआत करते हैं ये वो तस्वीर देखिए स्क्रीन पर या दो सेकेंड का वीडियो भी देख सकते हैं आ, किस तरह से तमाम पोलिटिकल पार्टीज अगर आपको लगता है कि उनके रोड शो में फूलों की बारिश होती है तो आप गफलत में हैं ये सब मैनेज किया जाता है इवेंट मैनेजमेंट है ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो एक एक खबर दिखाऊंगा और फिर उसका विश्लेषण भी करूँगा ऊर्जा के ताकतवर नोट्स वाली दिशाओं में किया जाता है पूजन सोचिए आईआईटी आई खड़गपुर के प्रोफेसर तो जो आ, आ, किस तरह से कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं प्रोफेसर जॉय सेन तो सोचिए किस तरह से जो लोग खासकर कौन लोग हैं जो विज्ञान के खिलाफ हैं वह समझ सकते हैं वैभव ने फोटो ट्वीट किया है वैभव कवर भी कर रहे हैं हैदराबाद के पूरे शहर को बीएसपी के पर्चों से और आर एस परवीन बीएसपी सुप्रीमो मायावती और हाथी की तस्वीरों से ढका हुआ है गौतम जी हैं रामजी गौतम जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं बीजेपी और अब बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं वो प्रभारी हैं और ये तस्वीर देखिए मैं तेलुगु में तो नहीं पढ़ सकता लेकिन ये तस्वीरें जो हैं आर एस परवीन की वो सोशल मीडिया पर आज बहुत ज़्यादा वायरल है ये वो वीडियो है लगातार कर्नाटक में बीजेपी बैकफुट पर है जिस तरह से लोग कह रहे हैं और वहाँ रोड शो की तैयारी की जाती है ये है संजय शर्मा फोर पीएम का संपादक है कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी से सवाल पूछने शुरू किए तो मेरे यहाँ रेड पड़ी डराया गया धमकाया गया किसी ने मेरे ने लिए नहीं आवाज़ उठाई दरअसल एक जो सुशांत सिन्हा वाला चैनल है नबिका कुमार वाला टाइम्स नाउ उसके एक महिला पत्रकार को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है पंजाब में हुई गिरफ्तारी से नोएडा एंकर्स व्यथित हैं पर वही रास्ता है जो भाजपा सरकारों को दिखाया है कैस के सिद्धकी कप्पन जैसे पत्रकारों को महीनों जेल में रखो सालों जेल में रहें स्वतंत्र मीडिया संस्थानों पर रेड करो रस्सी को सांप बनाकर फर्जी मुकदमे करो और अभिव्यक्ति की आज़ादी को समाप्त कर दो तो दिलीप म, वो महिला पत्रकार जो है वो गिरफ्त में हैं आज किसानों ने एक नया रास्ता अपनाया वो ट्रेनों से चूँकि बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती थी लेकिन खबर है कि पुलिस ने किसी को रोका नहीं है किसानों ने ट्रेन से दिल्ली की तरफ कुछ किया ये वीडियो देख सकते हैं और ये बॉर्डर के इलाके में किस तरह से दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई थी और एक सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल खबर है मैं चाहता हूं कि एक एन के आंकड़े आए हैं एन के आंकड़ों के मुताबिक पाँच साल में गुजरात में चालीस हज़ार से ज़्यादा महिलाएं लापता हुई हैं दो में 7000 के करीब 2017 में 7000, 2018 में 9000, 2019 में 9000, 2020 में 8000 के करीब कुल इकतालीस हज़ार छः सौ इक्कीस Uh, सवाल है कि ये महिलाएं कहाँ चली गई हैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो एक सवाल तो है कि इतनी महिलाएं कहाँ चली जा सकती हैं ये तस्वीरें देखिए ये शख्स जो है वो बड़े उहदे पर थे ये सावरकरवादी देशभक्त प्रदीप कुरुलकर हैं डी में डायरेक्टर थे पाकिस्तान को जानकारी देते पकड़े गए हैं संभव है माफ़ी मांगकर कल नेता बन जाए एक बगल में महिला की तस्वीर है उनको हम नहीं दिखा सकते हैं उनका तो ये शख्स जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है ये स्क्रीन देखिए अमित शाह के रोड शो में उन्होंने कहा कि लोग कहाँ हैं और ये वो वीडियो है सुप्रिया सिरनेत ने शेयर किया है जिसमें मोदी जी के रोड शो में राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं एक बहुत ही शर्मनाक खबर है जातिवाद का नमूना देखिए ग्रामीण इलाकों में इतिहास में पहली बार पुलिस की मौजूदगी में निकली दुल्हन दुल्हे की बारात मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के रावण खेरी में रहने वाले अर्जुन चौहान की बारात पुलिस संरक्षण में निकालनी पड़ी तो जहाँ जहाँ बीजेपी कांग्रेस की सत्ता रहती है वहाँ वहाँ जातिवाद अपने सवाब पर है चरम पर है और इसको लेकर कोई बात भी लोग नहीं करते हैं और लेकिन हम लोग अब सोशल मीडिया की वजह से लगातार इन सब खबरों पर बात हो रही है ये है अंजना अंजना जी आप जब आप पीड़ित के पास भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर जाएंगी तो नारेबाजी होगी कायर वो नहीं कायर आप हो जो चंद अंजना ने एक ट्वीट किया है अंजनाम कश्यप ने पहले अलग अलग जगहों पर नारेबाजी करते कायरों का झुंड महिला पत्रकारों को डराने उतरता है और अब दुस्साहस यहाँ तक पहुँच गया कि भावना किशोर के खिलाफ पंजाब पुलिस ने अवैध कार्रवाई कर दी कुछ चुप हैं अगली बार बारी हो सकती है अंजना ओम कश्यप जी ये सब कुछ आप लोगों का किया धरा है और एक पत्रकार के तौर पे आप लोगों ने अपनी पूरी ईमानदारी गिरवी रख दी है जानकर आपको हैरानी होगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ अंजना ओम कश्यप के इस ट्वीट के नीचे मुझे पता नहीं वो अपने ट्विटर पर रिस्पॉन्स पढ़ती हैं कि नहीं सौ में निन्यानवे जो ट्वीट्स हैं वो अंजना के खिलाफ ट्वीट किए गए हैं मैं कुछ ट्वीट पढ़ के सुना दूं आपको तो आपको लगेगा कि मेरी तो हिम्मत नहीं है कि अगर मेरे वीडियोज़ पर इतने ज़्यादा मेरे वीडियोज़ पर लगभग संतानवे से अंठानवे परसेंट वीडियो जो होते हैं वो लाइक्स के होते हैं लोग उसके समर्थन में बात करते हैं अंजना जी जब आप पीड़ित के पास भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर जाएंगी तो नारेबाजी होगी तुम लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए तो सोचिए अजीत अंजुम के साथ भी गाए थे वो साक्षी जोशी भी गई थी वहाँ ये देखिए सही किया गोदी मीडिया के साथ अच्छा हो रहा है मीडिया की वजह से ही देश बुरे हालातों से जूझ रहा है अगर मीडिया ने इस तरह के आम लोगों ने चोर चोर को आइडियल मानने वाले किसी को सर्टिफिकेट न बांटे सबसे ज़्यादा अंजना की किरक्री हो रही है यादव जी की नज़र में मुलायम अखिलेश लालू यादव ये सब योग्यता योग्य नेता है ये देखिए किस तरह से ज़्यादातर जो बहुजन समाज के लोग हैं और सवर्ण समाज के भी लोग हैं ये परमात्मा अब भी भांड मीडिया धन लालची मीडिया धन इस तरह के शब्द सिर्फ़ जमीर हमें तो कुछ बहुत कुछ बेता हुआ दिख रहा है तो ये सब आ, किस तरह से अंजना आंटी को पटना याद आ गया कौन बिक रहा है ये तुम्हें पता कैसे लग जाता है तो सोचिए किस तरह से आ, भाई एक चोर दूसरे के साथ चोर तो देगा ही सिर्फ कायर ही नहीं दलाल भी हैं तो 90 परसेंट जो कमेंट हैं उस सेक्शन को अगर ये लोग देखेंगे तो सारे कमेंट्स अंजना के खिलाफ हैं इसका मतलब मानसिक आप आप समझ सकते हैं कि लोग का ट्रेंड क्या है सिद्धकी कप्पर भी पत्रकार था उनका सालों में जेल में रखा तब आप चुप थे आज कुछ चुप हैं पहले नंबर पर उनका आज भावना कहा है कल आपका होगा धैर्य रखिए जल्दी ही लोग कह रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी सत्ता से चली जाती है तो क्या होगा क्या वो तमाम पत्रकार जो आज पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं किसी भी पार्टी के उन पर कार्रवाई होगी ये बड़ा सवाल है कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं जो मान लीजिए कि जिनके बच्चे नहीं हैं ठीक है मोदी योगी जी के बच्चे नहीं है लेकिन फैमिली तो है इतना बदले की भावना की अब राजनीति हो रही कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है जेल में डाला जा रहा है मारा जा रहा है टॉर्चर किया जा रहा है जाँच हो रही है अगर खुदा न खास सत्ता से लोग बेदखल हो गए तो क्या इस देश में अब इसी तरह के पॉलिटिकल जो बेंडेटा है उसकी बाढ़ आ जाएगी लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि कोई परमानेंट तो आया नहीं है अमित शाह जी के बेटे भी बड़े पोस्ट पर हैं तो लोग कह रहे हैं कि जांच होगी मैंने कहा जांच हो सकती है किसी की भी लेकिन लोग पॉलिटिकल बैंडेटा फिलहाल पत्रकारों के साथ तो ऐसा शुरू हो गया है और ये देखिए महिलाओं ने जंतर मंत्र पर धरना दिया और ये तस्वीरें मैं कुछ आपको दिखाऊँगा ये अमेरिका की तस्वीरें दिलीप मंडल ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये तस्वीरें शेयर की है और ये देखिए किस तरह से एम्बुलेंस फंस गया प्रधानमंत्री की रैली में वो भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है और आज तक की लगातार पोल खुल रही है सोचिए एक तो जो केरला स्टोरी की फिल्म है उसमें साफ़ है कि जो 40,000 महिलाएं आई एस सा आई एस आतंकी ये सब झूठ है और कह दिया गया कि वो फिक्शन है आज तक ने केरला स्टोरी के लिए खबर बनाई और उसमें जो अभी हत्या हुई है मध्य प्रदेश में छः लोगों की उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर दिया राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे वहाँ के प्रॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए बाद में पता चला कि आपको पता है वो प्रॉक्टर कौन है ये देखिए रजनी अब भी प्रोफेसर रजनी अब भी हैं जो पॉलिटिकल ये राहुल गांधी का विरोध कर रही हैं अब ये साफ हो गया है ऑन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी विजिट इन मेन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर रजनी अबी सेज इन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं होने दूंगी रजनी अबी खुद बीजेपी की नेता हैं चुनाव लड़ चुकी हैं तो अब सोशल मीडिया सोचिए नहीं होता तो किस तरह के हालात बनते सोशल मीडिया सबकी पोल खोल के रख देता है अमरोहा में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी की टक्कर से फूल सिंह से, सेन समेत सहित पत्नी और दो बच्चों की मृत्यु की खबर दुखद है चंद्रशेखर रावन ने कहा है कि उनको न्याय मिले जल्द से जल्द तो ये सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है आ, जो हम आपको दिखा रहे हैं और नीरज चोपड़ा ने एक और सोचिए नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड जीता है दिलीप मंडल कहते थे कि नीरज चोपड़ा को अफसर बनाने के लिए सेना को ये नियम तोड़ देना चाहिए कि सैनिकों को अफसर नहीं बनाना है अमेरिका जैसे कई देशों में को कमीशन अफसर बनने का मौका है नीरज देश की शान है तो नीरज चोपड़ा ने महिला खिलाड़ियों का भी समर्थन किया है तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है आप लोगों को क्या लगता है कर्नाटक में क्या होगा अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए वहीं महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है लगता नहीं है कि अभी रुकेगा किसान इसको आगे बढ़ाने के मूड में है शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें